वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज उर्वशी पाल। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक न्यू वीडियो लेके। तो यार मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं पीटीटी करने के बाद। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊंगी, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। देन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके मुझे सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। तो चलो चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। तो यार हम पीटीटी करने के बाद बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। जो इन्होंने गवर्नमेंट में प्रेफर करता है वो गवर्नमेंट में कर सकते हैं, और जिन्हें प्राइवेट में अच्छा लगता है वो प्राइवेट में कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बाकी गवर्नमेंट में आप एज अ ओटी टेक्नीशियन कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है ओटी टेक्नीशियन का, जिसमें हाँ। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम एज अ ओटी टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, और अब मैं सेकेंडली आती हूँ कि हम एम्बुलेंस में भी काम कर सकते हैं। एम्बुलेंस, कैट्स एम्बुलेंस सुना होगा आपने, काफ़ी वेल नोन नेम है। तो कुछ लोग पीटीटी करने के बाद कैट्स एम्बुलेंस वगैरह में भी काम करते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि एक IRF है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, सुना ही होगा आप लोगों ने नाम। तो पिछले साल उन लोगों ने वैकेंसी निकाली थी और उन लोगों ने सिर्फ पीटीटी वाले बच्चों को ही हायर किया था। हाँ, जो हमारे सर हैं उनके पास कॉल आई थी पर्सनली कि पीटीटी वाले बच्चों को ही हायर करना है उन्हें। तो उन लोगों ने, उनकी सैलरी भी काफ़ी ठीक थी और उन्हें रहना खाना वगैरह सब उसी, मतलब सैलरी से अलग उन्हें रहना खाना वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी वो खुद ही प्रोवाइड कर रहे थे। तो गाइज अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो हम ट्रॉमा सेंटर में भी काम कर सकते हैं। तो जैसे कि बेसिकली आपने पीटीटी की फुल फॉर्म तो पढ़ी होगी, प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा टेक्नीशियन। तो हमारा बेसिकली काम ट्रॉमा सेंटर में ही होता है, तो हम ट्रॉमा सेंटर में भी काम कर सकते हैं। तो गाइस मेरे कुछ सीनियर्स, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सफदरजंग में एक प्राइवेट कंपनी ने टेंडर ले रखा है, तो वैसे भी कुछ कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है फिर वो प्राइवेट रखती हैं एज ओटी टेक्नीशियन वगैरह। तो अब वहाँ पे 6 घंटे का वर्किंग आवर होता है, तो हम वहाँ 6 घंटे काम कर सकते हैं। फिर आप कहीं और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हर कोई वाले बच्चे ही मांगते हैं। इवन दे टेल देम कि हमें JRs नहीं चाहिए, हमें PTT वाले बच्चे दे दो, बिकॉज यार वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज हमें इतनी ज़्यादा दी जाती है ना, इतनी ज़्यादा दी जाती है। इवन MBBS वाले बच्चे जो मतलब इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, इवन वो तब भी कैनूला वगैरह लगाना सीख रहे होते हैं, और हम 1 ईयर के अंदर ये सब सीख चुके होते हैं। तो आप सोचो कि यार आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों की कितनी अच्छी हो जाएगी। इवन हमारे सर बताते हैं, मतलब जो हमारे इंचार्ज हैं वो बताते हैं कि कुछ बच्चे PTT करने के बाद अपने गाँव में डॉक्टर बने घूम रहे हैं। बनेंगे इन द सेंस कि यार उन लोगों ने सीखा, इतना सीख लिया कि मतलब वो ना एक डॉक्टर को टक्कर दे सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में। यार आपको पता है MBBS की डिग्री लेना कोई छोटी बात नहीं है, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, बट यार हर कोई हर काम नहीं कर पाता। तो यार मतलब उन लोगों ने सूचरिंग वगैरह सीख ली, और जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी होती है डिलीवरी वगैरह हमें करना सिखा देते गायनी में। तो यार हमारी हर जगह पोस्टिंग लगती है, फॉरेंसिक वगैरह में हर जगह लगती है, तो हमें पता चल जाता है, हमें बता देते हैं ऐसे पेशेंट डीलिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है 1 ईयर के अंदर। तो यार हम डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने एफर्ट ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने फील्ड में हम और कितना बेटर करें, और हम कैसे कैसे पेशेंट डील करें। और यार बस ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना सीखोगे वहाँ पे ना, मतलब नॉलेज जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे इतने पेशेंट आते हैं कि आप काम करते करते थक जाओगे, लेकिन पेशेंट ख़त्म नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि यार वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और काफ़ी नोन है। तो यार मुझे बस आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, कौन सा टॉपिक। यार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और जो लोग मेडिकल, जिन लोगों ने 12th में मेडिकल ली थी और वो लोग सोच रहे कि क्या करें, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और किसी को कुछ पूछना हो तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया कमेंट।